छात्र आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 88 का हल करना। और जैसे कि पता है आप लोगों को ये टेंस है और टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और साथ में निगेटिव सेंटेंस भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मैं सो रहा हूँ, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, क्या तुम काम कर रही हो। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, आगे जो है निगेटिव सेंटेंस भी है तो इसे आप बनाइएगा। ये जो है पहले क्या है ना, तो आपको एम ईज आर पहले डालना होगा, यहाँ पे लिखना होगा पहले आपको एम या फिर इज पहले डालना है ना, तो कैपिटल डालिएगा एम या फिर इज या फिर आर पहले डालना है। और इसके बाद आपको डालना है सब्जेक्ट, क्या डालना है सब्जेक्ट, और इसके बाद यदि नॉट रहे तो नॉट लगाना है, नॉट लगाना है। और इसके बाद आपको मेन वर्ब का प्रयोग करना है, उसमें आई एन जी लगाना है, ठीक है। और आगे जो है अदर वर्ब जो भी आए देना है, नहीं रहे तो यहाँ पे क्वेश्चन साइन डाल देना है इस तरह से। अब देखिए आपको समझना है कि एम कहाँ लगाए, तो बताए थे पीछे वाले वीडियो में हम एम जो है सदा आप आई के साथ लगाइएगा, आई के साथ सदा एम का प्रयोग कीजिएगा आई के साथ। और इज कहाँ लगाइएगा, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही हो, सी हो, इट हो, इट या कोई सिंगुलर नाम जैसे राम हो या फिर द बॉय हो, द बॉय, तो इन सही में आपको क्या प्रयोग करना है, इन सही में जो है आपको इज का प्रयोग करना है, इज का इन सभी में। अब देखिए आर कहाँ लगाना है, तो आर आपको लगाना है जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, जैसे वी हो, यू, दे, द बॉयज, द बॉयज, और जैसे राम है ना, अगर यहाँ पे राम एंड श्याम आ जाए या राम एंड मोहन आ जाए, राम एंड श्याम, तो आपको फिर आर का प्रयोग करना है, इन सभी में आपको क्या प्रयोग करना है आर, इस तरह से, ठीक है। देखिए क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, मैं है यानी आई, आई के साथ एम आएगा, तो पहले यहाँ पे एम डालिए, एम, एम और सब्जेक्ट डालना है आई, एम आई, और सोना का होता है स्लिप, एस एल डबल ई पी, और इसमें आई एन जी लगाना है, स्लीपिंग, एम आई स्लीपिंग, इस तरह से। क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, हम लोग यानी वी, तो वी के साथ आर लगाना है, तो पहले आर डालना है, आर आर, और इसके बाद सब्जेक्ट डालना है आर वी, वी, और इसके बाद गोइंग, गोइंग टू पटना, आर वी गोइंग टू पटना, और क्वेश्चन साइन डालना है इस तरह से। क्या तुम काम कर रही हो, क्या तुम काम कर रही हो, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यू है, तुम यानी यू, तो यू के साथ क्या लगेगा आर, तो पहले आर डालिए, आर और लिखिए यू, आर यू वर्किंग, आर यू वर्किंग, और क्वेश्चन साइन। क्या वह गा रहा है, क्या वह गा रहा है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही आएगा, तो यहाँ पे हमको लिखना है इज, इज ही, सब्जेक्ट ही, इज ही, इज ही सिंगिंग, इज ही सिंगिंग, क्या वह गा रहा है। क्या वे लोग खेल रहे हैं, ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, क्या वे लोग खेल रहे हैं। क्या तुम्हारी बहन सो रही है, क्या तुम्हारी बहन सो रही है, ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखे इज, इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर क्या है, सो रही है, स्लीपिंग, स्लीपिंग, क्वेश्चन साइन। क्या गायें चर रही है, क्या गायें चर रही है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो यहाँ पे लिखे आर, आर द लिखिए, द काउज, आर द काउज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, क्वेश्चन साइन। क्या तुम पटना जा रहे हो, लिखिए आर, आर यू, आर यू गोइंग, गोइंग टू पटना, आर यू गोइंग टू पटना, क्वेश्चन साइन। क्या लड़की इंतजार कर रहे हैं, लड़के प्लूरल है, लिखिए आर, आर द बॉयज, आर द बॉयज वेटिंग, वेटिंग, क्वेश्चन साइन। क्या वह नहीं जा रही है, क्या वह नहीं जा रही है, ये जो है निगेटिव सेंटेंस आ गया है और वह है थर्ड पर्सन है ना और सिंगुलर है, तो यहाँ पे पहले इज डालिए, इज, इज, यहाँ पे इज लिखिए और इसके बाद लिखिए सी, इज सी, इसके बाद डालिए नॉट, इट सी नॉट गोइंग, इट सी नॉट गोइंग, क्वेश्चन साइन। क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लिखिए इज, इज योर टीचर, टीचर नॉट, नॉट टीचिंग, टीचिंग यू,
यू क्वेश्चन साइन, क्या हम लोग नहीं झगड़ रहे, क्या हम लोग नहीं झगड़ रहे, तो यहाँ पे हम लोग यानी वी, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, आर वी नॉट, आर वी नॉट क्वेरेलिंग, क्यू यू ए डबल आर ई एल आई एन जी, एन जी क्वेरेलिंग, क्वेश्चन साइन डालेंगे इसके बाद, ठीक है, झगड़ा करना का होता है क्वेरेल और इसमें आई एन जी लगाए क्वेरेलिंग, आर वी नॉट क्वेरेलिंग, क्या हम लोग नहीं झगड़ रहे हैं, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वह है और ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे सी प्रयोग होगा, तो पहले इज डालिए, इज इज पहले इज, इज सी नॉट राइटिंग राइटिंग अ लेटर, अ लेटर क्वेश्चन साइन, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, यानी कि आई आएगा और एक के साथ एम लगेगा, तो पहले एम डालिए, एम आई, एम आई नॉट हेल्पिंग हेल्पिंग यू, यू क्वेश्चन साइन, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप यानी यू, यू के साथ आर आएगा, पहले आर डालिए, आर यू नॉट गोइंग going to school, school.